काशी की जनता भी मोदी मोदी कह रही है, क्यों? सभी देश के प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी है, मोदी जी के पहुंच हो रहे हैं, क्यों? जैसे अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किए, पूरे देश को लूट लिए, ऐसे ही देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब प्रधानमंत्री देश का पढ़ा लिखा होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ आपका विकास होगा। तीन तीन सरकारें आई, मायावती आई, सपा दो दो बार आई, वो प्रोजेक्ट वैसे बनता था गिरता था लटका रहता था। सोचिए कि राजस्व की कितनी बड़ी क्षति होती थी। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद वहाँ छह महीने से साल भर के अंदर वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। यहाँ आपका 15 साल से बीजेपी का चेयरमैन है, लेकिन इतनी गंदगी है कि आप जाके देख लीजिए सर्वे। परिवर्तन हो गया ना? कहाँ परिवर्तन, नाम केवल परिवर्तन हो रहा है। इससे विकास होगा, नाम बदलने से? कुत्ते का नाम बकरी रख दिया जाए तो विकास होगा? यूपी को बदनाम कर रहे हैं आप, यूपी में रह के यूपी को बदनाम कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने देश को नहीं संभाल सकता है, मैं विदेश की डंका के विषय में क्या करेंगे? लालू जी के साथ मीट खाते हुए पकड़े गए हैं, वो बन रहा है। अरे कौन पंडित में कौन गांधी है, उनका इतिहास देखिए। मोदी तिवारा भी लौटेंगे। ये सरकार जब से आई है तब से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, चाहे वो एनसीईआरटी से मुगलों का शासन का इतिहास हटाने की बात हो या अलग अलग राज्यों के नाम परिवर्तन की। डालो राज करो, अंग्रेज ने इसी पर 200 साल राज किया, इसी नीति पर। आज वही नीति अपना रहे हैं और हर जनता को, हिंदू को इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है, मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। ये मुसलमान हिंदू करके केवल फूट डालो, राज करो की राजनीति करो और कुछ नहीं। गांधी की छवि कैसी नजर आ रही है, टक्कर देंगे? राहुल गांधी की साफ सुथरी छवि है, उनसे बढ़िया किसी की छवि नहीं है। राहुल गांधी का एक नंबर का बोलना नहीं आता है। राहुल गांधी एक नंबर, कांग्रेस पार्टी एक नंबर है, उसके अलावा कोई नेता नहीं है। 198 करोड़ रुपया देश आजाद जब हुआ तो उस समय अपनी दौलत नेहरू जी ने इस देश के लिए दान दिया। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुई तो अपनी 40 एकड़ की बंगला इलाहाबाद का इस देश के लिए जो है दान दिया, ठीक है। वो लुटेरा पार्टी नहीं है, वो देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए अपनी संपत्ति भी दिया है। ये लोग कुछ नहीं दिया, ये लोग लूटे हैं केवल। 2024 के इलेक्शन में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा, एकदम परिवर्तन होगा। एक मिनट, ये बताइए, अभी तक निश्चित हो रहा? जी हाँ मैडम, अभी तक जो प्रधानमंत्री का नारा था, आपका झाड़ू बहुत जो है बनारस में झाड़ू मारे, कितना स्मार्ट सिटी बना है पूरे भारत में, कितना स्मार्ट सिटी मिला है? जो लोग जो है, जो एक बीजेपी के सांसद या विधायक गांव गोद लिए थे, उस गांव का कितना विकास हुआ है? मुगलसराय नगर पालिका में इतनी गंदगी है, यहां आपका 15 साल से बीजेपी का चेयरमैन है, लेकिन इतनी गंदगी है कि आप जाके देख लीजिए सर्वे कर। परिवर्तन हो गया ना? कहां परिवर्तन, नाम केवल परिवर्तन हो रहा है। काम में परिवर्तन नहीं हो, नाम बदलिए, अब उसके बाद जो है उसी में जनता को उलझा के रखिए। काम धरातल पर कुछ होने वाला नहीं है, कोई काम नहीं होने वाला। कितना स्मार्ट सिटी बना, प्रधानमंत्री से पूछिए ना, या बीजेपी के जो लोग हैं उनसे पूछिए कि कितना स्मार्ट सिटी बना। क्या लग रहा है कि नाम बदलने की प्रक्रिया जो चल रही है उससे विकास? ये केवल जनता को उलझा के रखे हैं। भाई साहब अभी कर रहे हैं ना कि पहले आपका जो है बना था हाईवे, बना था ये साधन थी, वो साधन थी। आप बेरोजगारी, महंगाई, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको कौन सा, कितने आपका IIT कॉलेज खोले हैं प्रधानमंत्री? कितने IIT कॉलेज खोले हैं बताए ना? केवल आपका धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता को उलझा के रखे हैं, केवल अपना ये जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किए, पूरे देश को लूट लिए, ऐसे ही देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब प्रधानमंत्री देश का पढ़ा लिखा होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ आपका विकास होगा। कौन करेगा देश का विकास, ऐसा कौन सा चेहरा? जो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा। पढ़े लिखे तो अरविंद केजरीवाल भी है, पढ़े लिखे तो राहुल गांधी भी है। आप देख लीजिए वहाँ आपका क्या है, कितना विकास हो रहा है। लेकिन आपका यूपी में जो है, जहाँ जहाँ आपका जो है भाजपा की सरकार है, वहाँ विकास केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। बताइए हमको, आप भारत में की बात करें, खाली यूपी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए हमें कि आप पूरे भारत वर्ष में कौन सा ऐसा देश है, राज्य है जहाँ ज़्यादा विकसित है, ये बताइए आप हमें। केरल है क्या? अरे क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आप देखने की बात कर रहे हैं, आप देखने नहीं, ये खाली आप यूपी को बदनाम कर रहे हैं, आप यूपी में रह के यूपी को बदनाम कर रहे हैं। यूपी की बात कीजिए, केरल चलने का खाना, केरल में जाइए आप। क्यों यूपी में आए आप? रोड के कनेक्टिविटी से क्या मतलब होता है, इससे जनता को क्या फायदा होता है, ये मालूम है आपको? सुचारू रूप से
एक आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, व्यापार का माल एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। जहाँ फ्री जाते ना वो 500 टैक्स दे के पास करत हुआ। जी जी 20 बैठक का आशा आप क्या समझते हैं? ये G20 बैठक से कोई मतलब नहीं है। G20 से देखे देखे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जब जब देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा तो स्वाभाविक है कि हमारे देश का विकास होगा। G20 को लेकर एक बात समझिए, नहीं गलत बात है। आज हमारे यहाँ जो मोबाइल का जितना एसेसरीज बन रहा था, हेलो प्लस सुनिए, हमारे यहाँ जो आपके घर में बच्चे हैं ना, गंदे नहीं करते हैं तो उसी तरह कुछ अनपढ़ हर जगह है। आप कब तक गंदे, आपके तो आप भी तो घर के गार्जियन है ना, आप ये बताइए आप घर के गार्जियन है कि नहीं, गार्जियन है कि नहीं घर के? अरे ऐसे शब्द मत बोलिए, ऐसे शब्द मत बोलिए, बड़े हैं ना, ये विकास है नहीं, ये भी विकास है। सुनिए, देश का विकास G20 से होगा या नहीं होगा? कह रहे हैं कि G20 बैठक से कोई विकास होगा, क्यों नहीं होगा? क्या विकास? विकास ये होगा कि देखिए अभी जितना भी जो स्टॉक मार्केट का अभी इंडिया में उसने यूएस को पीछे छोड़ा, उसने कनाडा जर्मनी सारे देश को उसने पीछे छोड़ के आज में नाम। अरे मैडम क्या विदेश में नाम हो रहा है? जो व्यक्ति अपने घर को, जो व्यक्ति अपने अपने देश को नहीं संभाल सकता है, जो व्यक्ति अपने देश को नहीं संभाल सकता है, मैं विदेश की डंका के विषय में क्या करेंगे? आप पहले अपने परिवार, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने भारत देश का विकास। मोबाइल किसके हाथ में मोबाइल नहीं है? ये रेलवे की नौकरी करते हैं, इनको तनख्वाह की जरूरत नहीं है, ये रेलवे की नौकरी करते। ये बेरोजगार होते ना तो आज ये चर्चा करते। आज मोदी ने हमारा पेंशन बंद कर दिया सारे रेल वाले, हम भी लड़ रहे हैं। हर आदमी के अंदर खूबी, अच्छाई और बुराई है। हमारा रेलवे में नौकरी करते हैं इसलिए खुश हैं। इनके बच्चे पूछे कौन से कितने बच्चों को नौकरी मिला है? हमारा बच्चा स्पोर्ट्समैन है, हमारा बच्चा स्पोर्ट्समैन है, हमारा बच्चा साक्षर है, क्या बात करेगा? प्रतिशत जो है केरल का साक्षरता, उन्होंने पूछा केरल के विषय में बताएं तो कहने। एक बात पूछनी थी कि अगर विपक्ष इतना ही मजबूत है और कांग्रेस के राज में इतना ही ज्यादा विकास हुआ है तो क्यों जनता ने परिवर्तित करके बीजेपी को ले? झूठ बोल के जनता को धोखा देखे, झूठ बोले हैं देश के लिए। अब क्यों लौटे दोबारा? ये केवल आपका धोखाधड़ी से चुनाव जीत रहे हैं, कोई इनके पास ऐसा मोदी तिवारा भी लौटेंगे ऐसे लौट जाएंगे ना तो देश है। वो पूजा करते हैं। अभी आप खोल के देख लीजिए, लालू जी के साथ मीट खाते हुए पकड़े गए हैं, वो बन रहा है। वो सिर्फ जहाँ जैसे है वैसे, वो सिर्फ जनेव का बहाना कर रहे हैं। अरे कौन पंडित में कौन गांधी है, उनका इतिहास देखिए, वो किस जीते आ रहे हैं, वो किस गोवा में। वो मोदी जी ने जितना विकास किया आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, राहुल गांधी ने भी नहीं किया। योगी जी और मोदी जी ने दो डबल इंजन की सरकार, इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश में विकास हो रही है। बाबा विश्वनाथ काशी कॉरिडोर, मैं आज नहीं 8 साल से जा रहा हूँ, लेकिन काशी में वो काशी की जनता भी मोदी मोदी कह रही है। क्यों? सभी देश के प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी है, मोदी जी के पांव छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना भारत बदल रहा है, अपना भारत सुन रहे हैं। मोगल सर बताइए ना क्या बदल रहा है, बताइए। नहीं मैडम, इनसे पूछिए क्या बदल रहा है, इनसे पूछिए क्या बदल रहा है। हम बता रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं। बात रेलवे और प्राइवेट की नहीं है, इनसे पूछिए क्या। हम बोल रहे हैं, आज 75 साल के अंदर हमारा, हम देखिए बोलने दीजिए, मैं आप बोल रहा है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। 75 साल के अंदर हमारा और पाकिस्तान अलग हो गया। आज 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 सुनिए, हिंदू मुस्लिम यही इनका है, हिंदू मुस्लिम देश की बात हो रही है। हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रीय खत्म हो जाएंगे। अगर देश की बात होती तो इंडिया, हमारे मोदी जी अफगानिस्तान को मदद किया, 52
लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन जनता तो गरीब से। इस्लामिक रेस्ट हमारे साथ है। हाँ, चाइना शक्ति बिट्टो पावर उसको मिला हुआ है चाइना को। प्रधानमंत्री केवल अपने हाथ से ताली बजाते हैं, ऐसे ये भी ताली बजाते हैं। जैसे आपका स्टेशन पर ताली बजाते हैं, वैसे ये भी स्टेशन पर ताली। आज सारा आज वो 40% चावल का निर्यात पे बंद करा दिया। आज पूरे पूरे विश्व का 40% चावल हमारे देश से जाता है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि जब तक हमारे देश के लोगों का चावल पूरा नहीं होता है, तब तक मैं बाहर भेजने का काम नहीं करूंगा। हाँ, जब तक हमारे देश के लोगों को पूरा होगा, मैं बस। आज सारे लोगों का हाथ पांव फूल रहा है, आज सारे लोगों को। अच्छा, आपसे जानूंगी क्या लग रहा है इनकी बात में कितनी सच्चाई। एकदम मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। पहले की सरकारों के भाई साहब जो कह रहे थे उसमें जवाब दे दूं। रामनगर का ओवर ब्रिज, यहाँ संबंधित जितने उपस्थित सबसे पूछ सकती हैं, तीन तीन सरकारें आई, मायावती आई, सपा दो दो बार आई। वो प्रोजेक्ट वैसी बनता था गिरता था लटका रहता था। सोचिए कि राजस्व की कितनी बड़ी क्षति होती थी। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद महज छह महीने से साल भर के अंदर वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, लोगों को कितनी सुविधा हुई। तो ऐसे प्रोजेक्ट पूरा होता है, ऐसे काम को लेंदी करके 100 रुपये की चीज़ को 1000 का बनाया जाता था पहले। ये होता है, ये महंगाई की जहाँ तक भाई साहब बात कर रहे हैं, पहले जो ज़मीन 4 लाख में हम लोग खरीदे थे या कोई भी बंदा खरीदता था, आज 40 लाख में बेच रहे हैं तो महंगाई नहीं है। सिलेंडर 400 से 1200 हो गया तो महंगा है। हर चीज़ रेशियो में बढ़ती है ना, तो क्यों महंगाई कैसा होगा। मोदी जी बाहर विदेश में डंका बजा रहे हैं, लेकिन पहले भारत की जनता की नहीं सुन रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी हो गई है। आज गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे मध्यम वर्ग हो, हर घर में चावल और गेहूं बराबर मात्रा में बट रहा है। हर किसान चाहे 10 बीघा का काश्तकार हो, चाहे 1 बीघा का, चाहे 1 बीघे का, उसके स्वनिधि जो कृषि सम्मान निधि हर व्यक्ति के खाते में जा रही है। क्या वो मुस्लिम में नहीं जा रही है, गरीब में नहीं जा रही है, मध्यम वर्ग किस में नहीं जा रही है? पहचान नाम बदलने की प्रक्रिया क्यों चल रही है? मुगल सराय का नाम क्यों बदला गया और दीनदयाल उपाध्याय क्यों करा गया? मैं बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाए। इससे विकास होगा नाम बदलने से? कुत्ते का नाम बकरी रख दिया जाए तो विकास होगा? ये बताइए, जैसे पहले मुगल शासक थे, जब वो सत्ता में थे तो जो हिंदू से संदर्भ जो भी नाम था उसको उन्होंने बदला। सहमत हैं आप? जब आज हम सत्ता में हैं तो अपनी पुनः उसी नाम को वापस क्यों नहीं ले सकते? हम बदल कहाँ रहे हैं? हमारे तो जो नाम पहले से उसको वापस ले, उसका नाम भी बदलने का विवाद छिड़ा हुआ है। वो तो केवल बरगलाया जा रहा है। किसी भाजपा कोई लीडर बता दीजिए जो बोला हो कि देश का नाम बदला जा रहा है। भाजपा के लीडर तो कह रहे हैं कि भारत नाम जो है वो भारत की संस्कृति को दिखाता है, तो भारत नाम होना चाहिए। भारत तो है, ऑलरेडी है संविधान में। देखिए, भारत ऑब्लिक इंडिया लिखा हुआ है संविधान, उठा के आप देख लीजिए। हिंदुस्तान के भी नाम से हम लोग गठबंधन कह रहा है कि भारत पर विवाद हो रहा है और नाम बदलने की प्रक्रिया कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। गठबंधन का ये आरोप झूठा है, इसमें कोई दम नहीं है। जो लोग 36 के आंकड़े रखते थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, आज सब लोग एक साथ जुड़ गए। क्यों? वाई कोई जवाब दे, क्या ऐसा कारण है? कह रहे हैं कि जो भारत एक ऐसा देश है जिसके तीन तीन नाम है, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। ऐसा कोई देश नहीं है जिसका नाम तीन तीन रखा गया हो। ऐसे में कहीं ना कहीं विवाद नहीं छिड़ेगा? नहीं, आज तक कहाँ विवाद हुआ? 70 साल से तो हो रहा है। अब हो रहा है इसलिए कि लोग जब एक साथ जुड़े हैं, INDIA करके नाम से जो गठबंधन बना है, तो उन लोग लग रहा है कि हर जगह इस नाम से प्रेजेंटेशन हो। कह रहे हैं भारत के इंडिया के नाम से बीजेपी डर गई है। नहीं नहीं, ताकि सिंपैथी वोट हमको मिले इंडिया के नाम पर। वो लोग जो भी कटाक्ष करे, विरोध करे, तो सीधे देश पे फोकस हो, जिसका मैं लाभ ले सकूं। तो लग रहा है कि इंडिया को लाभ मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज मोदी जी ने जो किया है, जनता का दिमाग को खोलने का कार्य किया है खले मंच से। यही कारण है कि चाहे विपक्षी या कोई भी दल कितना भी वर्ग ला ले, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जनता समझ गई है कि क्या सही है क्या गलत है।